मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश 2 है यूनिट नंबर 2 द प्रीपोजिशन वी आर लर्निंग द प्रीपोजिशन ओके तो वी लर्न अबाउट द व्हाट इज द प्रीपोजिशन द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन एंड व्हिच आर द प्रीपोजिशंस दैट वी कैन यूज है ना एंड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अदर पर्पजेस है ना तो हमने वो सब सीखा तो आज हम इसकी जो है एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे लास्ट में हमने देखा कि सम प्रीपोजिशन है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना कुछ वर्ड्स के ग्रुप में भी होते हैं जैसे कि अहेड ऑफ क्लोज टू इन बिटवीन तो ये सम प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से बनकर ग्रुप में होते हैं पर सम प्रीपोजिशन ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स में होते हैं इन ऑन इफ है ना सॉरी इन ऑन ऑफ वो सब अंडर है बिहाइंड है इन फ्रंट ऑफ है फिर बिफोर है आफ्टर है बहुत सारे प्रीपोजिशन है हम एक्सरसाइज देखेंगे तो सभी प्रीपोजिशन है वो आपको सीखने को मिलेंगे सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर 1 तो इन एक्सरसाइज नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन ओके आपको प्रीपोजिशन से फिल अप करना है इसके लिए आपको ब्रैकेट्स भी दिए है सो एंड कीप द नोटबुक एंड पेंसिल विथ यू सो दैट व्हाट एवर आई राइट ऑन द बोर्ड यू कैन कॉपी एंड राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो फायर प्लेस होता है घर में जहाँ पे ठंड होती है
नेक्स्ट नंबर सिक्स देखते हैं, ही हैज सिटिंग नेक्स्ट हर सिस्टर, तो वो अपनी सिस्टर के बाजू में बैठा है, ऐसा कहना है तो ही इज सिटिंग बिसाइड हर सिस्टर, क्या आएगा बिसाइड। बी एडमायर द फुल मून शाइनिंग ओवर, क्या आएगा ओवर। चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, फिर द लेडीज आर सिटिंग राउंड द टेबल एंड चैटिंग, लेडीज है वो टेबल के राउंड में बैठी है और चैटिंग यानी चैटिंग कर रही है। देयर इज अ गर्ल सिटिंग प्लेइंग द सीन, गर्ल है वो सीन के अमोंग बैठी है, बहुत सारे सीन है उसके बीच में गर्ल बैठी है। बी एंड मैन बाजू में बैठा है, ओके। तो इसमें टोटल 10 प्लेन्स है, लिख लो। अभी ये जो टॉपिक है इसमें क्या करना है कि लर्न हाउ टू यूज ये जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं वो कैसे यूज करना है, इसको एग्जांपल दिए गए हैं, ओके। वी हाउ टू यूज वी बाय ऑफ फॉर टू अबाउट इनटू डिसाइड्स एंड फ्रॉम, ये जो सभी प्रीपोजिशन कैसे यूज करने हैं वो सीखेंगे एग्जांपल्स के ऊपर के ऊपर से। तो पहला एग्जांपल है वी स्टॉप्ड हर, इससे स्टॉप किया फ्रॉम एक्सरसाइजिंग टू मच एक्सरसाइज करने से हमने उससे स्टॉप किया, ये करने से फ्रॉम इसमें से, फ्रॉम यानी इसमें से, ओके। मिस्टर रॉय डांस विथ हिज वाइफ,
अबाउट, अबाउट यानी शायद है ना, लगभग हम जिसको बोलते हैं शायद, वो ही इज अबाउट टू लीव, वो लीव करने से शायद वो लीव कर गया है ना। बिसाइड्स बीइंग रीच
सभी सब्जेक्ट में वीक हो, ओके, तो ही वॉज वीक टू ऑल सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे इन की जगह पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, ही वॉज वीक टू ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। द न्यू सर्वेंट इज नॉट वीक विथ एनीथिंग, न्यू सर्वेंट इज नॉट वीक विथ एनीथिंग। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन है फिट विथ, फिट के साथ विथ की जगह पे अगर यहाँ पे फिट टू होता तो द न्यू सर्वेंट इज नॉट फिट टू एनीथिंग, ओके। तो टू विच टू फिट चिल्ड्रन मेक फन ऑन एवरीबडी, यहाँ पे ऑन है तो वन के साथ क्या आता है, फन ऑफ आता है ना, तो स्टूपिड चिल्ड्रन मेक फन ऑफ एवरीबडी, क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपनी बुक में लिख लो, करेक्शन अच्छे से लिखना, इसकी जगह पे जो आपने प्रीपोजिशन फाइंड आउट किया है उसपे आप सर्कल कर दो ताकि आपको पता चले कि इसमें करेक्शन करना है, इसको करेक्ट करना है। देखो
यहाँ पे बीज के बीज जो होता है उसकी एमओ आप कुकिंग नहीं करते हो, है ना। बीज जो बीज होता है सी सो होता है उसके एमओ नहीं करते हैं, वो कि क्या करते हैं अलाउड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एमओ को करेक्शन करके हमें क्या लिखना है अलाउड। स्टडी करनी है, लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।